हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप लोग अपने कीमती वक्त निकाल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए, इसके लिए तो सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोगों तक भेज पाऊँगा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी क्या क्या करती है। देखो, ये कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है। और केमिकल सेक्टर में किसके किसके लिए कंपनी काम करती है भाई? टेक्सटाइल के लिए काम करती है, क्लीनिंग हाइजीनिक के लिए काम करती है, अदर स्पेशलिटी केमिकल के लिए काम करती है। और ये वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी कंपनी काम करती है, फर्टिलाइज़र, लेदर, पेंट, तो ये सारी चीज़ों के लिए कंपनी जो है काम करती है। तो ये केमिकल सेक्टर में है जो ये सारी चीज़ों पर फोकस करती है कंपनी। और ये केवल इंडिया में ही कंपनी नहीं काम करती है, पूरे वर्ल्ड में काम करती है। इसका एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है, इसका एक्सपोर्ट जो है 27% है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और ये जो एक्सपोर्ट का जो मार्केट है ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। आज 20 है, 25 है, 27 है, 30 है, 40 है, तो ये जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये कंपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी करती है, 17 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये आपको देखने को मिलेगा म्यूचुअल फंड और साथ में इक्विटी में भी। ये जनरली नॉर्मल अमाउंट जब बच जाता है तो। और प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर चेंज होते हुए नज़र आया, पहले प्रमोटर के पास 71.8% था, अब देखोगे तो इन्होंने चेंज करके 2020 में 64.9% कर लिया, मतलब 65%। क्यों इन्होंने 10% अपने 5% अपनी हिस्सेदारी घटाई है? वो इस वजह से क्योंकि कंपनी को फंड की ज़रूरत थी, तो कंपनी ने दो तरीके से फ़ंड रेज किया। एक तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई इन्होंने जो है 200 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर सिक्योरिटी से जमा किया, और कंपनी के 5% जो हिस्सेदारी है इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स और पब्लिक को बेचा, और वहाँ से इन्होंने ये पैसा जुगाड़ किया। और ये कंपनी के डेवलपमेंट के लिए था। 470 प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे कंपनी का, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए थी। इस वजह से कंपनी के क्लाइंट भी अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छे अच्छे क्लाइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये क्लाइंट जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। एडहेसिव वगैरह देखोगे, केमिकल जो होता है उसके लिए कंपनी काम करती है, एग्रो केमिकल वगैरह, तो ये सारी चीज़ों के लिए कंपनी काम करती है, तो ये एक अच्छी खबर हम बोल सकते हैं। और ये कंपनी का नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। आज ये स्टॉक जो है 20% भागा है, ये इस वजह से क्योंकि कंपनी का क्वार्टर फोर का रिज़ल्ट आया है, और कंपनी का क्वार्टर फोर का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही अच्छा था। अभी अभी जो कंपनी ने क्वार्टर रिज़ल्ट लाया है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा मार्च से मार्च तक 121 करोड़ का ही सेल्स था, जिससे यहाँ कंपनी ने 138 करोड़ का सेल्स दिखाया है। सबसे बड़ी चीज़ सेल्स को साइड में रखो, कंपनी 18% तक का प्रॉफिट मार्जिन कमा रही थी, और यहाँ पर कंपनी ने 24% तक का प्रॉफिट मार्जिन दिखाया। इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में बहुत बड़ी चेंजेस देखने को मिली है। जहाँ कंपनी 17 करोड़ कमा रही थी वहाँ 26 करोड़ कमा रहे कंपनी ने कमाया, तो अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला पिछले साल से इस साल तक। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने बीट किया, और ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने बीट किया अब तक का। इस वजह से डायरेक्ट 20% भागा है ये स्टॉक। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि भाई फिनोटेक्स केमिकल स्टॉक आज के डेट में तो भागा है, तो आज के डेट में तो सब लोग खरीदेंगे, तो समझने की कोशिश करो ये स्टॉक्स में अभी भी रियल अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिला है। एक साल पहले अगर आप देखोगे तो 167 या समथिंग ऐसा ही कुछ था, और यहाँ से फिर देखो तो स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली, जो कि 400 रुपीज़ के बाजू में गया, फिर गिरावट देखने को मिला, अब ये कंसोलिडेशन लेवल में है। तो ये स्टॉक्स में अब बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है, बस आप यही समझ लो, बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है। फ़र्क बस इतना ही कि कल के डेट में ये स्टॉक और भाग जाएगा तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाकर बताएंगे, तो मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी यही गलत होता है कि पहले बता देने से क्या होता है कि लोग क्या होता है इग्नोर कर देते हैं, फिर जब स्टॉक भाग जाता है फिर लोग बोलते हैं सर आपने पहले क्यों नहीं वीडियो बनाया, आपको पहले ही वीडियो बनाकर बताया गया है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में डेट चेक कर लो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने बाद में देखा वीडियो जब स्टॉक और ज़्यादा भाग गया तो, ठीक है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई बुराई नहीं है, जब से कंपनी आई थी तब से देखोगे तो केवल कंसोलिडेशन लेवल ही था, और ये 2015 से 2020 तक था, उसके बाद जो स्टॉक्स में तेज़ी आई आप देख ही सकते हो। कंपनी के पास 340 करोड़ का रिज़र्व है और 7 करोड़ का डेट है, समझ रहे हो, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कुछ कीजिएगा, और अपना खुद का भी स्टडी कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।